Hi guys, I am Ashna and welcome back to my channel and welcome to another vlog. Also, happy Saturday. वैसे हैप्पी फॉर अस बट नॉट सो मच फॉर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स क्योंकि आज वीकेंड का वार आने वाला था. एनीवेज लास्ट वीक तो विशाल की बहुत ज़्यादा वाट लगी थी बट लेट्स सी इफ इट चेंजेस दिस वीक. मुझे लग रहा है कि ना आज कुछ तो शिवानी के ऊपर होने वाला है बिकॉज मेरे को इंट्यूशन सी आ रही है कि इन्हीं के ग्रुप पर अटैक हो रहा है, इन्हीं के ग्रुप पर टारगेट हो रहा है और सना भी अब इस ग्रुप में आ चुकी है. मतलब मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है सना से, मेरे को तो स्टार्टिंग से अच्छी लगी थी बट सना ना थोड़ा सबके गुड बुक्स में रहने की कोशिश करती हैं तो आई एम वेरी सस्पिशियस अबाउट दिस फ्रेंडशिप के कितने दिन चलेगी. सो अभी तो 5:30 बज रहे हैं शाम के. सुबह से मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई थी बिकॉज आज बहुत 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 सारा काम था मेरे को और अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ और उसके बाद रात को आई हैव टू वर्क अगेन. आज मुझे जिम भी जाना है तो अभी तो मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है. सो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग माचा, मेरी फेवरेट एक्टिविटी. हाय गाइस, मैं जूसी. हाय करो जूसी सबको. जूसी को मैंने शेक हैंड करना और सिट करना सिखा दिया है ना. जूसी अच्छी की थी है ना, बहुत नखरे करके सीखी है पर सीख लिया इसने. टैटू क्यों हो गया? तुम लोग बहुत दिनों से जीजी से भी नहीं मिले ना. हाय करो, नीचे कमेंट कर दो हाय जीजी. हेलो जीजी. यार किचन में ना मैं कभी व्लॉग नहीं करती बिकॉज यहाँ बहुत गंदी लाइट आती है. मैंने ये एक ऐसा फ्लैट सा डिश है कुछ भी खाना वाना रखने के लिए, इसको मैं लेके आई हूँ फॉर विस्टिंग माय माचा. थोड़ा सा लेट हो गई जिम के लिए बट कोई बात नहीं, रेडी हो जाते हैं. मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, सैटरडे है आज. यार मेकअप भी कर रखा. ओके डन, लेट्स गो. हाय गाइस, आई एम बैक होम. बस 5 मिनट बचे वीकेंड का वार स्टार्ट होने में तो मैं जल्दी से नहा के आ रही हूँ और फिर वी विल वॉच वीकेंड का वार. इनका रियल चेहरा कुछ और है जिसकी असलियत सामने लाने के लिए कल घर में है. क्या वो बोलो तुम? अब जब इसने ऐसा बोला तो तुम क्या मानते हो इस चीज? हमें तो ये लगा सऊर नहीं है, इनको ऐसे बोल रहे हैं. मतलब बदतमीज लड़के नहीं आपको लगती कुछ? अगर वो बड़े हैं तो 28 साल की हो तो उनको ऐसे थोड़ी तुम बोल सकती हो. जैसे आप अमन बार बार एकदम सेट एकदम जबरदस्त यार, थोड़ा चौड़ा थोड़ा पतला हुआ है. क्या हो गया सडनली तुम? मुझे आपको खड़े तो आप ही खाओ, मेरे साथ सर खाने घूम क्या खाओ? फिर जब आउटपुट का टाइम आता है ना सर तो ऐसी आउटपुट आता ना दूसरा फट जाता है. अच्छा तो वो दो लड़के रहते हैं चार पार्ट समझे? उसने शो में आके छुट्टू बना दिया. तो कल तो मैं पूरा व्लॉग खत्म नहीं कर पाई थी बिकॉज एक तो मैंने बहुत थक भी गई थी क्योंकि सुबह से भी काम कर रही थी और फिर रात को भी मुझे काम करना था वेबसाइट का तो मैं 11:30-12 बजे काम मेरा ख़त्म ही हुआ था. उसके बाद फिर मैं क्या ही ब्लॉग करती. आज भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अभी 11 बज रहे हैं तो 11 बजे मैंने काम स्टार्ट कर दिया है. आई डोंट थिंक कि कितना ही अभी तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी तो शायद मैं रात को वीकेंड का वार स्टार्ट होने के आसपास ही ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी. बाकी कल क्या हुआ था? हाँ कल का वीकेंड डिस्कस. तो कल क्या हुआ था,
मुझे तो लग रहा था कि पक्का लव वो विशाल के पीछे ही पड़ने वाला है, बिकॉज लास्ट दो वीकेंड के बाद से इन दोनों के पीछे ही हाथ धो के पड़े हुए थे बिग बॉस वाले। तो कल बात हुई थी चंद्रिका के ऊपर कि चंद्रिका का जो अपना टॉपिक भी नहीं है, विशाल की जो विशाल वाली चीज़ हुई थी जो कृतिका भाभी को बोला था वो पिछले हफ्ते हुई थी। पहली बात तो चंद्रिका का इस टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं था, बट फिर भी हर नॉमिनेशन में जहाँ पर भी कुछ बात हो रही है उसी टॉपिक को लेके कि विशाल मेरे को इसलिए इस वजह से पसंद नहीं आ रहा, जबकि चंद्रिका का इस टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं था। तो इसके पीछे चंद्रिका को थोड़ी सी डांट पड़ी, वो बिल्कुल जायज था मेरा तो ये मानना है। ओह, बिफोर आई गो, आई थिंक बिग बॉस OTT 3 के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आर कन्फर्म नाउ। फैजो 007 के ग्रुप में जो अदनान शेख है, ही इज कन्फर्म। आई थिंक आज वाले एपिसोड में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगी, बिकॉज न्यूज काफी हद तक लीक हो चुकी है, सो आई थिंक कन्फर्म्ड ही है, तो रात को ही पता चलेगा। ओके गाइज, नाउ आई एम ऑफ टू वर्क, सो आई विल सी यू गाइज टुनाइट, बाय। हाय गाइस, तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई, फ्री अभी कम्प्लीटली नहीं हुई, थोड़ा सा फ्री हुई हो, और सुबह से काम कर ही रही थी, और अब कितने बज गए, 8:50 बज चुके हैं, तो 10 मिनट थोड़ा बैठ के आई विल वॉच वीकेंड का वार, और वीकेंड का वार ख़त्म होते ही मुझे फिर से काम है, और काम ख़त्म करते ही मैं तो सीधा सोने वाली हूँ, आज लाइव नहीं देख पाऊँगी मैं। तो 10 मिनट का जो ब्रेक है मेरे पास उसमें मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख भी लग रही है। बाय द वे, जियो सिनेमा वालों ने बिग बॉस का वो रिलीज़ कर दिया वाइल्ड कार्ड एंट्री का, वो वैसे ही मतलब फेस कट करके दिखाया, बट इतना समझ आ ही जाता है, तो अदनान शेख जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आएंगे कंटेस्टेंट इन बिग बॉस OTT 3। तो लेट्स वेट एंड सी के अब क्या होता है घर पे। पिछले हफ्ते वीकेंड के वार में हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट आई थी पायल, जिन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से विशाल के ऊपर कुछ सवाल उठाए, कुछ इल्जाम लगाए, जो भी उन्होंने कहा वो उनका नजरिया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर स्टोरी के दो साइड होते हैं। आज उसी कहानी के दूसरे साइड को शेयर करने आ रहे हैं विशाल के पेरेंट्स ब्रह्मदेव पांडे एंड रेणु पांडे। तो विशाल ने बोला था वो चीज उन्होंने नहीं बोला। सो प्लीज वेलकम विशाल स्पेंस, आइए प्लीज। लव यू बेटा। कुछ गलत नहीं किया है, ये दिमाग से बात आप निकाल दो, आपने कुछ गलत, और आप वो भूले हो, मुझे याद है आप भूले हो, अगर याद रखते ना सही बात तो आप विशाल के स्टैंड में स्टैंड लेते विशाल के लिए। प्लीज छोड़ दो, जाने दो, देखो मैं तो नया कैसी है, सब अच्छे हैं बेटा। आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे तो आपसे कुछ बात नहीं करनी थी। अपने थप्पड़ का जस्टिफिकेशन कि दोस्त ने बोला था, हाउ इज दैट जस्टिफाइड एट ऑल। हनुमान जी ठीक है, कटारिया को आनी करनी थी। देखो 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 बड़ा कटारिया था। हां देखो मेरे अगर कोई भी शब्द तुझे बुरे लगे तो आज एविक्शन में चंद्रिका दीक्षित निकल चुकी है। पीछे लाइव चल रहा है, बट ये व्लॉग मुझे अभी एंड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो सॉरी इस वीकेंड दो व्लॉग नहीं डाल पाई मैं, बिकॉज इस वीकेंड तो मैं बहुत सच्ची में मैं बहुत बिजी थी, मैं इसे बोलने के लिए नहीं बोल रही, मैं सच्ची में बहुत बिजी थी। और मेन चीज़ ये भी थी कि लव इस बार बाहर वाला था, तो नॉमिनेशन से सेफ था, तो वो थोड़ी टेंशन कम। कोई बात नहीं, दोनों दिन का एक साथ मैंने व्लॉग बना लिया, नेक्स्ट वीक अलग अलग बना दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यार, यहाँ पर इस व्लॉग को मैं एंड करने जा रही हूँ, सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।